नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम लैपटॉप लेने को सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि आखिर किस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, हमें किस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। HP सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है या डेल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, कौन सी कंपनी सबसे अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराती है, किस कंपनी का हमें लैपटॉप लेना चाहिए। आज इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस कंपनी का लैपटॉप बेस्ट होता है, और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से किस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए और कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छा सुविधा प्रोवाइड कराती है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारा आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है कि लैपटॉप लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसको आप जरूर देख लीजिए। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसलिए उसको देखना चाहिए क्योंकि आज इस वीडियो में आपको हम रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के आधार पर लैपटॉप के बारे में नहीं बताएंगे, आज हम आपको कंपनी के आधार पर बताएंगे कि किस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। तो अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लैपटॉप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि सभी कंपनी ये दावा करती हैं कि हमारे कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आखिर हम कैसे मान लें कि उस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। हम भी अगर आपको बता दें कि HP का सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, डेल का खराब होता है, या डेल का सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, HP का सबसे ज़्यादा खराब होता है, तो आप कैसे मानेंगे कि आखिर क्यों डेल का भी तो अच्छा हो सकता है, या अगर हम HP का अच्छा बताएं तो आप डेल का अच्छा बताएं तो आप कहेंगे कि HP का तो भी अच्छा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएंगे कि आखिर क्यों HP का अच्छा होता है, तो HP का क्यों अच्छा होता है, अगर डेल का अच्छा होता है तो डेल का क्यों अच्छा होता है। तो आइए तीन पॉइंट्स में समझने का प्रयास करते हैं कि किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है। लैपटॉप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तीन बिंदु हमारे पास हैं। तीनों बिंदु में समझ में आ जाता है कि किस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ये तीन बिंदु जिस कंपनी पर लागू होते हैं वही कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं बिंदु। सबसे पहला नंबर आता है यूजर का। यूजर्स मतलब यूज करने वाला, यानी जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा यूजर होते हैं उस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जिस कंपनी के सबसे ज्यादा यूजर रहेंगे उसी कंपनी का लैपटॉप बेस्ट होगा, इसलिए क्योंकि वो कंपनी सबसे अच्छी सुविधा प्रोवाइड की होगी, इसलिए उसके ज्यादा यूजर बढ़े हैं। वो अपने जो कस्टमर की सर्विस है वो भी अच्छा प्रोवाइड करी होगी, तभी जाके इतने ज्यादा उसके कस्टमर हैं। क्योंकि एक बार कोई भी अच्छा सामान, अगर घटिया सामान होगा तो ले लेगा, लेकिन अगर बार बार कोई घटिया सामान दे रहा है तो कभी ना कभी उसके यूजर पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छा सामान दे रहा है तो एक यूजर ने उसका सामान लिया तो 10 यूजर को बताएगा कि इस कंपनी का सबसे ज्यादा अच्छा सामान होता है, और उसके लगातार यूजर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी है लगातार पॉपुलर हो रही है लेकिन सामान घटिया दे रही है तो उसके यूजर्स धीरे धीरे घटते जाएंगे और वो लगातार पीछे चली जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी। तो अगर आपको बताएं यूजर्स के मामले में, HP और डेल के मामले में, तो यूजर की जो पब्लिसिटी है, यूजर जो यूज करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा यूजर हैं HP में, जबकि डेल में भी यूजर हैं लेकिन HP के मुकाबले डेल में यूजर कम हैं। तो इसलिए अगर यूजर के हिसाब से बात करें तो HP अभी यूजर के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला लैपटॉप बन गया है। जब भी आप बाहर भी देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा आपको HP का ही लैपटॉप दिखाई देता होगा, वर्किंग के स्थान पर तो सबसे ज़्यादा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि यूजर्स के मामले में HP सबसे ज्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट को अगर समझने का प्रयास करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल और पार्ट्स। मटेरियल पार्ट्स का मतलब यह होता है कि जो आप डिस्प्ले के बगल में जो प्लास्टिक देखते हैं, या जो नीचे कीपैड और माउस के बगल में जो लैपटॉप के बीच में प्लास्टिक देखते हैं या सिल्वर देखते हैं, उसमें किस तरीके की क्वालिटी की जाती है, क्योंकि यही हमारे निर्भर करता है कि किस तरीके से हमारा लैपटॉप सुरक्षित होगा। क्योंकि अगर लैपटॉप में बहुत अच्छे कंपोनेंट्स लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं, लेकिन उनमें जो प्लास्टिक और ये पार्ट्स के ऊपर जो फ्रेमिंग की जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, घटिया क्वालिटी लगा दी गई, तो हमारे पार्ट्स सभी अच्छे रहेंगे लेकिन ये जो फ्रेम होते हैं अगर ख़राब हो गए तो हमारे लैपटॉप किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर कंपनी किस तरीके से सामान को सुरक्षित करने के लिए जो फ्रेम लगाती है और जो ऊपरी जो पूरी चरित्र के सिल्वर का वो लगाती है तो किस तरीके से लगाती है, किस क्वालिटी का रहता है। तो इसमें भी अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा HP का ही रहता है, जबकि डेल का उससे कम रहता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक के मुकाबले दोनों कंपनियां विशेष ध्यान देती है, चाहे वो HP हो चाहे डेल हो। डेल भी अच्छे तरीके से अपने पार्ट्स को सुरक्षित करने के लिए उच्च क्वालिटी का प्रयोग करती है, और HP भी अच्छे से अपने सभी पार्ट्स को सुरक्षित करने के लिए वो भी उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक का और सिल्वर का उपयोग करती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर लुक के मामले में आप जाएंगे देखने की उच्च क्वालिटी के साथ, तो आपको HP सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड करेगी, जबकि प्लास्टिक के मामले में दोनों सही हैं, HP और डेल दोनों सही हैं। लेकिन प्लास्टिक उच्च क्वालिटी का HP भी उपयोग करती है, लेकिन HP उसी प्लास्टिक में शाइनिंग भी
देती है, जबकि डेल उस प्लास्टिक में सिर्फ उच्च क्वालिटी का उपयोग कर लेता है लेकिन उसमें आपको साइनिंग नहीं देता है। इसलिए आपको देखने में भी अच्छा दिखने वाला लैपटॉप HP का होता है, जबकि आपको अच्छा तो मिल जाता है लैपटॉप लेकिन अच्छे उच्च क्वालिटी का, लेकिन देखने में थोड़ी डेल का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर आप पार्ट्स, मटेरियल और लुक वाइज देखें तो HP ही सबसे ज़्यादा बाजी मार लेता है। अब उसके बाद बात करें कस्टमर सर्विस, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। चाहे आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप लें, चाहे आप खूब महंगा लैपटॉप ले लें, लेकिन कभी ना कभी कुछ न कुछ खराबी उस लैपटॉप में आ जाती है। इसलिए कंपनी की जो कस्टमर सर्विस होती है, जो सर्विस सेंटर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब भी खराबी आती है तो हम इन्हीं के पास जाते हैं। अगर ये सबसे ज़्यादा तेज काम करते हैं या अच्छे तरीके से सेवा प्रोवाइड कराते हैं तो हमको ज़्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन ये अच्छे तरीके से सेवा प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो हमको बाद में बहुत परेशानी होती है। इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी हमें अच्छा सेवा प्रोवाइड करे, कौन सी कंपनी सर्विस सेंटर में हमें अच्छा सेवा दे रही है। तो अगर आप HP और डेल की बात करें तो इसमें भी डेल भी अच्छा सेवा प्रोवाइड कराता है, HP भी अच्छे सेवा प्रोवाइड कराती है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा सर्विस सेंटर अच्छी हो। लेकिन अगर आप बात करें कि HP और डेल में कंपैरिजन की, तो HP इस मामले भी थोड़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके ज़्यादा अगर आपके सामान में शाम को खराबी आती है किसी लैपटॉप में, अगर एक बार आपने फ़ोन किया तो आपका जो रिपेयरिंग पार्ट्स है, आपके जो उसमें कार्यविधि के सिस्टम है प्रोसेसिंग का, वो बहुत जल्दी होता है उसमें, और आपको समस्या को जल्द से जल्द निदान करने के लिए प्रयास करते हैं HP के जो सर्विस सेंटर होते हैं। जबकि डेल के सर्विस सेंटर ये होते हैं कि उसमें भी इसी तरीके से निदान किया जाता है, लेकिन डेल के जो सर्विस सेंटर हैं वो हर जगह पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है, मतलब अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। तो HP और अगर डेल की बात करें तो डेल के सिस्टम में सर्विस सेंटर अच्छे हैं, डेल के भी अच्छे हैं, HP के भी अच्छे हैं, लेकिन HP और डेल में थोड़ी सी भी फर्क है। जबकि HP अन्य मामलों में अच्छा है तो सर्विस सेंटर में भी थोड़ी सी अच्छे क्वालिटी का अपना अभी जो स्टेटस बनाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपको तीन पॉइंट्स की समझने की बात करें तो तीन पॉइंट्स सबसे ज़्यादा HP में लागू होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि HP का सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है। उसके बाद अगर बात करें कि HP के बाद अगर बात करें तो डेल का भी बेस्ट लैपटॉप होता है, क्योंकि डेल के भी यूजर उतने ही हैं, डेल के भी प्लास्टिक थोड़ी अच्छी होती है उच्च क्वालिटी की, लेकिन उसमें थोड़ी लुक वाइज अच्छा नहीं होता है, क्योंकि साइनिंग उसमें नहीं दी होती है, और सेंटर भी, सर्विस सेंटर भी अच्छे से काम करता है। तो HP की अगर बात की जाए तो डेल भी अच्छा लैपटॉप होता है, डेल का भी आप लैपटॉप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे हिसाब से किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है। तो अगर हमारे हिसाब से अगर बात करें तो हमारे हिसाब से HP का सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है, क्योंकि HP तीनों पॉइंट्स में खरा उतरता है और पूरी तरीके से ध्यान में देकर काम करता है। क्योंकि HP का लैपटॉप आप सभी, जो भी ज़्यादा वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा HP का ही लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं कहीं पर भी। इसलिए कहा जा सकता है कि HP का सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप होता है, और HP हर तरीके से मुस्तैद होकर अच्छी तरीके से सर्विस हमें प्रोवाइड कराती है। इसलिए आपको हम यही राय देंगे कि अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप HP का ले सकते हैं, अगर हमारी बात माने तो। अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो अभी लेते हैं अभी आपसे विदा, शायद आप समझ गए होंगे कि किस कंपनी का लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और कौन से कंपनी का लैपटॉप हमें लेना चाहिए। तो लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।